हेलो, हेलो, आवाज येतोय है माझा? हाँ, माझा हेलो। हाँ, आवाज येतोय ना? कॅमेरा ऑन करा. हाँ, एक मिनट। आवाज क्लियर है ना? हाँ, अभी हम यूनिट वन चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर वन है सिस्टम ऑन चिप. स्क्रीन शेयर करती हूँ. इमेज विजिबल है ना? नो मैम। यस मैम। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सिस्टम ऑन चिप. तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो देखो सिस्टम ऑफ चिप का ये डायग्राम है. ठीक है, उसमें एनकोडर है, डिकोडर है, मेमोरी एक्सेस है, एआरएम सीपीयू है, देन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है, मेमोरी है. तो अभी ये जो आपका आईओटी का, ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको सेंसर, देन ये आपके चिप, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे. क्योंकि जो आपका रास्पबेरी पाई का चिप है उसमें भी बहुत सारे ऐसे चिप लगे हुए रहते हैं, ठीक है, फंक्शनिंग के लिए. तो अभी एनकोडर एंड डिकोडर मतलब क्या है? तो एनकोडिंग करना मतलब कुछ टेक्स्ट को हम एनकोड करते हैं, ठीक है, तो उससे कहते हैं एनकोडिंग. मतलब कोडेड लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं. एंड डिकोडर करना मतलब जो एनकोडेड किया हुआ टेक्स्ट है उसको वापस डिकोड करेंगे, मतलब जो कोडेड वर्ड है उससे वापस हम प्लेन टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो ये एनकोडर बेसिकली नेटवर्किंग में होते हैं. ठीक है, मेमोरी तो जो है मेमोरी स्टोरेज स्टोर करने के लिए, देन स्टोरेज है, यहाँ पे यूएसबी लगा हुआ रहता है, वीडियो. तो ये आपकी जो सिस्टम ऑन चिप है उसका डायग्राम दिया है यहाँ पे. ठीक है, सीपीयू है, देन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है. सिस्टम ऑन चिप इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो नोन दैट आई सी और चिप. तो उसे आई सी भी बोलते हैं, चिप भी बोलते हैं. इट मे कंटेन डिजिटल एनालॉग और मिक्स सिग्नल. तो उसमें एनालॉग सिग्नल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, एंड मिक्स सिग्नल भी हो सकते हैं. इट इज़ वेरी कॉमन इन मोबाइल कंप्यूटिंग मार्केट बिकॉज देयर लो पावर ऑफ कंजप्शन. अभी आईओटी में आप सब चीज़ें देखेंगे तो सेंसर के थ्रू होती है. ठीक है, तो सेंसर को क्या लगता है? बैटरी. बैटरी इज द मेन थिंग. ठीक है, सेंसर में क्या होता है? बैटरी लगती है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लो पावर कंजप्शन है, मतलब यहाँ को ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं रहती सिस्टम ऑन चिप. ठीक है, इट इज डिस्टिंग्विश इन थ्री टाइप्स. जैसे एसओसी बिल्ट अराउंड माइक्रो कंट्रोलर, इट इज बिल्ट अराउंड माइक्रो प्रोसेसर एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन. तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह होंगे तो उसके लिए सॉफ्ट बेसिकली डिजाइन किया गया है. ठीक है, अभी आके हम देखेंगे एक कंसिस्ट ऑफ दिखा रही है. ठीक है, मैं दूसरी फोटो शेयर करती हूँ. तो इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, देन रोम, रैम. रैम वगैरह पता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी. देन टाइमिंग सोर्स इंक्लूडिंग ऑसिलेटर्स, स्पेस लॉक लूप्स, पेरिफेरल डिवाइस, यूएसबी, देन वोल्टेज रेगुलेटर. तो यहाँ ये सारी चीज़ें मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ये सब चीज़ें. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है एफपीजीए, दैट इज फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे. It is the hard working cores of most embedded system, integrating the high level management functionality of processor, real time operation, extreme data processing, then
डिवाइस इंटीग्रेटेड बोथ प्रोसेसर एंड एफपीजीए आर्किटेक्चर इन अ सिंगल डिवाइस. कॉन्सिक्वेंटली इट प्रोवाइड्स हायर इंटीग्रेशन, लो पावर, स्मॉलर बोर्ड साइज एंड हायर बैंडविड्थ. कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एफपीजीए दे आल्सो इंक्लूड द रिच सेट ऑफ पेरिफेरल्स ऑन चिप मेमोरी. A field programmable gate array, it is an integrated circuit designed to be configured by a customer or a designer after manufacturing, hence field programmable. तो ये जो basically है ये भी एक integrated circuit है, ठीक है, जो field programmable gate array. अभी इसमें आप देखेंगे तो सब आपको ऐसे ही मतलब chip है या फिर माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये सारी चीज़ें ही दिखेंगी, ठीक है. उसमें से एक था field programmable gate array, ठीक है. फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे की आपको डायग्राम बताती हूँ मैं. यहाँ पे जो ऊपर है ये है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे की डायग्राम. यहाँ पे इनपुट आउटपुट ब्लॉक है, देन प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट्स है एंड लॉजिक ब्लॉक्स है. अभी इसके कुछ एडवांटेजेस जैसे लॉन्ग टाइम अवेलेबिलिटी, मतलब लंबे समय के लिए ही अवेलेबल होता है. देन कैन बी अपडेटेड और अपग्रेडेड योर कस्टमर साइट्स. कस्टमर जो है इजीली उसको अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं. फास्ट एंड इफिशिएंट सिस्टम. देन परफॉर्मेंस गेन फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड रियल टाइम एप्लीकेशन में भी ये यूज होता है, ठीक है. जो नेक्स्ट है वो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट. जीपीयू का नाम तो हमें सुना होगा. ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑकेशनली कॉल्ड विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज अ स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन फॉर रैपिडली मैनिपुलेट अल्टर मेमोरी टू एक्सेलरेट द क्रिएशन इमेजेस ऑफ फ्रेम बफर इंटेंडेड फॉर आउटपुट टू डिस्प्ले डिवाइस. जीपीयू यूज इन एम्बेडेड सिस्टम. अभी यहाँ पे कंसेप्ट है एम्बेडेड सिस्टम. तो एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे पार्ट से बनाया हुआ, ठीक है. मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रहेंगे माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर के, तो उनको जोड़ के बनाया जो जाता है उसे कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है. ओके. देन मोबाइल फोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड गेम कंसोल. तो आपको पता है गेम के लिए तो ग्राफिक्स यूज होते हैं, बराबर. जो हाँ गेम्स रहते हैं आप खेलते हैं मोबाइल में खेलते होंगे. अभी वो कौन सा गेम था, बंदूक लेकर वो पबजी. यस, तो ऐसे पबजी वगैरह ये जो सारे गेम्स है बड़े बड़े, तो उसके लिए ग्राफिक्स यूज होता है, ओके. देन मॉडर्न जीपीयूज आर वेरी वेरी इफिशिएंट एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक्स इमेज प्रोसेसिंग. देन हाईली पैरेलल स्ट्रक्चर, मोर इफिशिएंट देन पर्पस सीपीयू फॉर एल्गोरिथम व्हेन द प्रोसेसिंग लार्ज बॉक्स ऑफ इन पैरेलल. तो उन्होंने क्या बोला है कि जैसे गेमिंग है, ठीक है, देन इमेज को अगर एनहांस करना है तो भी वहाँ पे ग्राफिक्स यूज होता है. और फोटोशॉप को अगर आपको पता है तो उसके लिए कैसे ज़्यादा ग्राफिक्स लगता है, ठीक है. आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे या फिर लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे ग्राफिक्स का ऑप्शन रहता है. देखो मतलब कितना ग्राफिक्स है या फिर कौन सा ग्राफिक्स लेना है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है. जैसे इमेज, आप इमेज को फिल्टर लगाते बराबर मोबाइल में, तो वो कौन से चीज़ से होता है, तो जीपीयू से ग्राफिक्स यूज होता है उसमें, ठीक है. इमेज को एनहांस करना है या फिर लार्ज डेटा है उसको आपको कुछ प्रोसेसिंग करना है या फिर गेमिंग कंसोल है, तो उसके लिए जीपीयू यूज होता है, ओके. देन उसके आगे ये है टॉपिक वो है एपीयू, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज अ को प्रोसेसर दैट मे बी इंटीग्रेटेड इन सीपीयू, कॉमन चिप और विद इन द सेम पैकेज इंटरकनेक्टेड वाया प्रोसेसर बस. तो ये भी एक को प्रोसेसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट ही है, ठीक है. देन इट इज ऑल्सो भी यूज टू एक्सेलरेट द प्रोसेसिंग स्पेशलाइज इंटेंस कंप्यूटेशन इंजिन. A stable purpose that justifies the cost of integration and does not require reconfiguration. A system on chip integrates a complex system components on a single chip. It is typically includes one or more processor.
मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो ये किससे बना हुआ है कि जैसे बहुत सारे इनपुट आउटपुट है या फिर बहुत सारे प्रोसेसर है, तो इनसे ये बना हुआ है, ठीक है। द एएमडी दैट इज एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर्मली नोन एज फ्यूजन, इट इज अ मार्केटिंग टर्म फॉर अ सीरीज 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम एएमडी डिजाइन टू एक्ट एज अ सीपीयू एंड ग्राफिक्स एक्सेलरेटेड जीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। देन आगे एक कंसेप्ट है कंप्यूट यूनिट्स ऑफ जीपीयू। जीपीयू हमने देखा था ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसके कंप्यूट यूनिट्स क्या है अगेन, तो वो सब दिया है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ कंप्यूट यूनिट डिपेंड्स ऑन हु मैन्युफैक्चर द पर्टिकुलर जीपीयू। कंप्यूट यूनिट इज अ स्ट्रीम ऑफ मल्टी प्रोसेसर। तो कंप्यूट यूनिट क्या है, तो एक स्ट्रीम रहेगी, ठीक है। स्ट्रीम मतलब एक ऐसे मतलब समझो एक फ्रेम है, ठीक है, मतलब 11 to 12, अभी 11 to 12 वन और, ठीक है, तो ये एक टाइम में कितना डेटा चलता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रीम, ठीक है। कंप्यूट यूनिट इज अ स्ट्रीम ऑफ मल्टी प्रोसेसर, मतलब बहुत सारे मल्टी प्रोसेसर है उसके अंदर। देन इट इज इंजन इन एन एएमडी एंड जीपीयू, ईच कंप्यूट यूनिट हैज अ सेवरल प्रोसेसिंग एलिमेंट, ठीक है। अभी इसका मैंने फोटो लिया नहीं है, ठीक है, मैं बाद में आपको भेजती हूँ। अ कंप्यूट यूनिट कंबाइंस अ 64 शेडर। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, अ शेडर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू शेड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ एप्रोप्रिएट लेवल लाइट डार्कनेस एंड कलर विथ एन इमेज और अ मॉडर्न एरा ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्पेशल इफेक्ट टू फॉर वीडियो प्रोसेसिंग। तो ये जो कंप्यूट यूनिट है ये बेसिकली जैसे मैंने बोला था ग्राफिक्स हम यूज क्यों करते हैं, इमेज एनहांसिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे फिल्टर है, अगर इमेज ब्लैक होगी तो उसको वाइट करना है या फिर शेडिंग देनी है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली, या फिर वीडियो प्रोसेसिंग है तो उसके लिए ये कंप्यूट यूनिट यूज होता है। अ टेक्सचर मैपिंग यूनिट TMU इज अ कंपोनेंट इन द मॉडर्न ग्राफिक्स। Historically, it was a separate physical processor, a TMU, able to rotate, resize, and distort a bitmap image to be placed onto an arbitrary plane of given 3D model as a texture. So, जैसे 3D image वगैरह है, तो उसको enhance करने के लिए हम ये basically compute unit use होता है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, आगे का टॉपिक है ARM आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ARM का लॉन्ग टर्म क्या है, दैट इज आइकॉन रिस्क मशीन। द एडवांस रिस्क मशीन इज अ फ्रेमली टू रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर प्रोसेसर कॉन्फिगर फॉर वेरियस एनवायरमेंट्स। ब्रिटिश कंपनी ARM होल्डिंग्स डेवलप द आर्किटेक्चर एंड लाइसेंस टू द कंपनीज हु डिजाइन देयर ओन प्रोडक्ट्स दैट इंप्लीमेंट वन ऑफ दोज आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम ऑन ऑफ चिप हमने देखा है, ठीक है, ऑन मॉड्यूल्स दैट इन ऑपरेट
memory interface radio. It also designs a core that implements this instruction set and licenses this design to a number of companies inappropriate those core design into their own product. So इसमें क्या है basically icon based machine, तो इसमें instructions होती है, ठीक है, जब आप Raspberry Pi को connect करते हैं, ठीक है, तो कुछ कोड है, मतलब कुछ instructions होते हैं, तो हमको वो आगे देखने हैं, ठीक है. A processor that have a RISC architecture typically requires few transistors than those with a complex instruction set computing, such as 86 processor found in most personal computer, which improves the cost, power consumption and heat dissipation. तो जैसे मैंने बोला है कि सेंसर में क्या होता है, पावर यूज होती है, ठीक है, तो जैसे ये लो पावर कंजप्शन बोला हुआ है, मतलब इसमें हमको पावर जो है कम लगने वाली है. Characteristics are desirable for light, portable, battery-powered devices, including smartphone, laptop, and tablet computers and other embedded systems. तो जैसे laptops है या फिर mobile phones है या फिर tablet है, और tab तो पता होंगे आपको, ठीक है. तो and other embedded system. Embedded system मतलब बहुत सारी चीज़ों से जो जोड़ के बनाए हैं, ठीक है, embedded system. तो ये सब चीज़ों के लिए ये use होता है. The ARM8 architecture introduced 64-bit support to the ARM architecture, which focus on power-efficient implementation while maintaining the compatibility with existing 32-bit software. By adopting a clean approach, ARM8 processor extend performance range available while maintaining low power consumption characteristics of ARM processor that will power tomorrow's most innovative and efficient device. It has three different products, जैसे high performance है, then high efficiency है and ultra high efficiency. आपको अगर दिखता है तो ये ARM8 का architecture है, ठीक है, मतलब वहाँ पे उसका डायग्राम का डायग्राम दिया है, ये सही से विजिबल नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ आपको बाद में भेजती हूँ. ओके मैम. अच्छा, देन ARMv8 आर्किटेक्चर मेंटेन्स कंपैटिबिलिटी विद अ कॉम्प्रेसिव सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम that enable a well software optimized for existing ARM processor to benefit enhanced performance processor. ARMv8 architecture while the addition of 32-bit cryptographic instruction. अभी cryptography क्या है, तो cryptography मतलब जैसे secret जो information exchange होती है, ठीक है, अभी आप इसमें TY में जाएंगे तो आपको networking का subject है, तो उसमें आपको रिसीवर एंड सेंडर ये कंसेप्ट हो गया, और उसमें पूरा क्रिप्टोग्राफी के ऊपर है, ठीक है. तो क्रिप्टोग्राफी क्या है, तो सिक्योर अगर कुछ सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो आपको एक्सचेंज करनी है, मतलब जैसे दिव्या है एंड रीम है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, और ऐसा करनी है कि जैसे हदिया को समझने नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, मतलब वो दोनों क्या शेयर करें. तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है, तो जिव्या ने जो टेक्स्ट टाइप किया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक कोडेड वर्ड में, ठीक है, और रीम को भेजेंगे, और जो रीम है उसके पास डिकोड करने की रहेगी, मतलब जो उसने अगर ए टाइप किया है तो रीम को पता है कि ए को कन्वर्ट करके उसका मीनिंग बी करना है, ठीक है. तो ये होता है बेसिकली क्रिप्टोग्राफी, मतलब एनकोडिंग एंड डिकोडिंग रहता है उसमें. ओके, तो दिव्या क्या करी थी, कुछ उसका जो टाइप दिया हुआ टेक्स्ट उसको कन्वर्ट करेगी एक कोडेड वर्ड में, एंड रीम को पता है कि उसको रीम ही समझ सकती है, बाकी किसी को वो समझेगा नहीं. ओके, इसको कहते हैं क्रिप्टो. ओके मैम. ना कंफ्यूज हो गए. नहीं मैम, समझा. अच्छा ठीक है, आज बस करती हूँ मैं. ओके ठीक है. ओके बाय बाय. थैंक यू मैम.
थैंक यू।